नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त भूरा शर्मा। तो भाई, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि मौसम साफ होने लगा है, धीरे धीरे ठंड खत्म हो रही है और अब कबूतर जो अपने जितने भी कबूतरबाज भाई हैं सब अपने कबूतरों पर फोकस करेंगे। और अक्सर इन दिनों में भाई पर पटाई की मेरे पास ज़्यादा व्हाट्सएप पे कॉल और वैसे फ़ोन भी दोनों जगह आ रहे हैं। तो भाई मैं आपको वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ भाई कि मैं अब अपने कबूतरों की एक या दो दिन में परपटाई करने वाला हूँ। और कुछ भाई कहते हैं कि भाई साहब परपटाई से पहले डिवर्मिंग, तो भाई अगर आपने परपटाई करनी है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको कबूतरों की डिवर्मिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद परपटाई करनी है। और जिन भाइयों ने कबूतरों को पर दे रखी है और वे डिवर्मिंग करना चाहें तो वे ना करें भाई डिवर्मिंग, क्योंकि जब तक कबूतर पूरे के पूरे परंत नहीं हो जाते तब तक आपको कबूतरों को डिवर्मिंग नहीं करनी है। और भाई जैसे पिछली वीडियो में तो हमने डोंटल प्लस टैबलेट लगाई थी, उसके बाद भी भाई पूछते हैं कि भाई साहब कौन सी टैबलेट लगाएं। भाई पर पटाई के बाद डोंटल प्लस ना ही लगाएं तो अच्छा है, पेपराजिन आती है बहुत अच्छी है, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, वो लगाएं आप जब कबूतर पूरी तरीके से परंत हो ले। उससे पहले कोई टैबलेटें नहीं लगानी है अब आपको कबूतरों को, सिर्फ अपने जो मल्टीविटामिन है वे देने हैं जिन कबूतरों के भी अपने पर देने हैं। और भाई जैसे बहुत सवाल आते हैं भाइयों के कि भाई पर पटाई के बारे में आप बताओ कि आप कैसे करते हो। भाई मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये कलिया देखिए इस बच्चे की, इसने अभी एक ही कली गिराई है, एक या दो गिराई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई मैं इस बच्चे की नहीं करूँगा क्योंकि ये बच्चा ही है और इसने एक ही कली गिराई है, ये 9 कलियाँ भी इसकी बाकी हैं, इसकी परपटाई नहीं की जाएगी। ये बच्चे को मैं वैसे ही तैयार करूँगा क्योंकि अभी फरवरी समझ लो ख़त्म हो लिया, मार्च अप्रैल और मई में कबूतर वैसे ही उड़ने शुरू हो जाते हैं, तो भाई इसकी नहीं की जाएगी। करनी किन कबूतरों की वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, जैसे इस बच्चे की ये कलियाँ देखिए, ये दो रह गई हैं, ये बाकी अपने आप ही परंत होके आया है, तो मैं इसकी सिर्फ ये दो कलियाँ उखेड़ करूँगा, एक और ये दो, और ऐसे ही इस तरफ से, इस तरफ से इसको तीन है, तीन है, ये एक आध अपने आप गिरा जाएगा क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन बाद करूँगा, तो ये तीन इनकी उखाड़ दी जाएंगी। ये पर हमें नहीं छेड़नी है कबूतर की, क्योंकि ये पर बिल्कुल नई आई हुई हैं और अपने आप आई हुई हैं, जो पर अपने आप आती हैं वो दोस्तों बिल्कुल बेस्ट होती हैं। ये सिर्फ हम ये तीन उखाड़ करेंगे और पूँछ में भी हम इसकी ये देखेंगे कि पूँछ में कौन सा पत्ता पुराना है और कौन सा नया है, जो पुराना पत्ता है वही उखाड़ना है, नया जो भी पर आई हुई है वो कबूतर की हमें नहीं उखेड़ करनी है। तो भाई ये जैसे बच्चा हो गया इसको करेंगे, और दिखाता हूँ ये मेरे हिले हुए बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा है, ये देखिए भाई 2 4 5 इसकी 5 कलियां हैं, इसकी उखाड़ ये आगे की उखेड़ कर दी जाएगी क्योंकि ये बाजी के दरमियान परे गिरा जाएगा बच्चा, तो इसकी ये आगे की 5 उखेड़ कर दी जाएगी। तो भाई ऐसे ही है, मेरे बहुत सारे कबूतर हैं ये, तकरीबन इनमें कलर जो पिछली बार मैंने दिखाया था वीडियो में बच्चे थे, ये कलर इनका काफ़ी फेड हो चुका है, अब नए सिरे से जब ये परंत हो जाएंगे तो नए सिरे से इन्हें कलर किया जाएगा। और अब ये जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली है, खासकर नए भाइयों के लिए, जो पुराने भाई हैं उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन जो नए भाई हैं जो हमें बार बार कमेंट करके कहते हैं तो वे इस वीडियो को पूरी देखें। सबसे पहले अगर आपने अपने कबूतरों की परपटाई करनी है तो कबूतरों को नहान जरूर दें, नहान के अंदर आप एक तसले के अंदर पानी रख के उसके अंदर थोड़ी सी पोटेशियम, उसको हम पिंकी भी बोलते हैं, थोड़े से दाने उसके, और थोड़ी सी फिटकड़ी जो सेविंग करके लगाते हैं, थोड़ी सी इतनी सी फिटकड़ी फोड़ के तसले के अंदर मिला दो गुनगुने पानी में, और कबूतरों को नहान दो, एक नहान दे दो, दो नहान दे दो, वो बेस्ट है, क्योंकि जो है जैसे एक आज दे दिया तो 1-3-4 दिन बाद दे दो। नहाने से क्या होगा, जो इनकी छोटी छोटी कलियाँ हैं जो हमें उखाड़, जो हम उखाड़ नहीं सकते, वे नहाने से ऑटोमेटिक गिर जाएंगी। तो भाई जैसे आज
है तारीख 15-16 है शायद आज, तो आज 16 तारीख है। तो भाई आज मैंने अपने कबूतरों को, जैसे अभी थोड़ी सी उर्दू खैर हो जाएगी तो धूप बिल्कुल इधर आ जाएगी, मैं अपने कबूतरों को नहा दूंगा और नहान इसी तरीके से दूंगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैं उन्हें 2 दिन छोड़ के 1 दिन और नहान दे के मैं इनके 20 तारीख के लगभग इनके पर फाड़ दूंगा, क्योंकि भाई 20 तारीख को मैं पर फाड़ूंगा तो 8 दिन ये लगा लो और 31 दिन मार्च के 39 10 अप्रैल मेरा टारगेट है कि मैं 10 अप्रैल को अपने कबूतरों को धूप में बैठाना शुरू करके और 4-5 दिन धूप में बैठा के फिर उन्हें उड़ाना शुरू कर दूँ। क्योंकि जो भी अगर टूर्नामेंट अभी भरेंगे जैसे, तो जो इंट्रियाँ हैं वे लगभग 10 से 15 मई के दरमियान की होती हैं, तो उस दरमियान तक मेरे कबूतर बिल्कुल परंत होके लैस हो चुके होंगे और अपनी परवाज पे आ चुके होंगे। तो भाई मैं इस हिसाब से पर फाड़ रहा हूँ, और जिन भाइयों ने पर फाड़ रखी है वे विशेष तौर पर ध्यान रखें भाई, कबूतरों को कोई भी कीड़ों की दवाई नहीं लगानी है जब तक कि कबूतर पूरा का पूरा परंत ना हो जाए। अगर आपने उस दरमियान और उखेड़ में अगर आपने दवाई लगा दी तो पर ख़राब होने के 1001% चांस होते हैं भाई, तो दवाइयाँ ना लगाएं, सिर्फ मल्टीविटामिन का कोर्स करें और अच्छा दाना। अब दाने की बात आई तो भाई मैं दाना इनका बनाने वाला हूँ, उसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। और बाकी जो भाई बना चुके नहीं बन, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना ले भाई। अब जो है दाने के अंदर मगज ज़रूर डालने हैं ताकि कबूतरों में जान बने, अच्छी पर आए। सरसों भाई बहुत आदमी चने डालते हैं, हम नहीं जान डालते चने, लेकिन आप चाहो तो डाल सकते हो, चने हो गई। और भाई थोड़ी मात्रा में जो है, मक्खी नहीं लेनी है आपको, मक्खी बिल्कुल बंद कर देनी है जो उन कबूतरों की हम तैयारी करेंगे। दालें होगी, मटर होगी, ज्वार होगी और थोड़े से तिल और थोड़ी सी मात्रा में अलसी, गर्म और ठंडे दाने का कॉम्बिनेशन बना के चलना हमने। और मगज ज़रूर डालने दोस्तों, चारों मगज। और इसके अंदर आप चाहो तो ये सूरजमुखी के बीज और डाल सकते हो ताकि पैदर अच्छे आएँ, क्योंकि तेल जितनी मात्रा में आप दोगे उतना ही कबूतरों को पर अच्छे आएंगे। तो चिकनाहट के वैसे भी कई आइटम हो गए, थोड़ा सा ये भी डाल दोगे तो बेस्ट होगा। और ना मिले तो सरसों आप डाल सकते हो कबूतरों को ताकि उनकी पर अच्छी आए। और मल्टीविटामिन का ज़रूर ख्याल रखना दोस्तों, अब अपने कबूतरों को आप 10 दिन या 15 दिन मल्टीविटामिन ज़रूर चलाएं, हफ्ते में 5-7 दिन भी दे दो या लगातार 15 दिन दे दो, या आपकी मर्ज़ी है, मतलब 4 दिन इकट्ठा दे दिया फिर 4 दिन नॉर्मल छोड़ दिए, 4 दिन फिर दे दिया, ऐसे करके आप दे सकते हो। क्योंकि मल्टीविटामिन जितने कबूतरों के अंदर जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कबूतरों को जब भी आप पर दे देते हैं कबूतरों को हाथ में ना पकड़े, क्योंकि हाथ में पकड़ने से कबूतर जो है ज़्यादा छटपटाता है और पर फूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। आप ना फूटे और लॉफ्ट के अंदर जो भी आपने डंडे वंडे लगा रखे हैं वे डंडे हटा दें और नीचे रखें कबूतरों को। और डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखें, लीवर टोनिक का ध्यान रखें। और कबूतरों को जब भी धूप निकल आए, धूप के अंदर जैसे अगर आपके पास ऐसे जाल है तो जाल के अंदर निकाल दें ताकि कबूतर धूप अच्छी खाए, क्योंकि धूप के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है भाई विटामिन पाए जाते हैं जो जानवरों को और हमें भी चाहिए होते हैं। हम भी सर्दी में धूप में बैठते हैं, कबूतर तो बैठते ही बैठते हैं भाई, विटामिन डी काफ़ी होता है। और दो कबूतरों में वैसे भी अगर कुछ कीटाणु बनते हैं तो वे भी ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई ये थी परपटाई के दरमियान की कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है। भाई डिवर्मिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत फ़ोन आते हैं कि भाई साहब हमने परपटाई करनी है डिवर्मिंग कर दें, बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर आप डिवर्मिंग करोगे तो कम से कम 15 से 20 दिन बाद आपने कबूतरों को पर देनी है, और जो भाई कर चुके हैं वे डिवर्मिंग ना करें भाई। जब करनी है जब कबूतर आपके बिल्कुल परंत हो जाए, वो भी आपको बता देंगे। जैसे अभी हमने अपने कबूतरों को डिवर्मिंग नहीं की क्योंकि मैं इनको पहले ही आज से 1-1.5 महीना पहले मैं इनको डोंटल प्लस की गोली लगा चुका हूँ और लसोटा वैक्सीन इनको कर चुका हूँ, तो भाई इन्हें कोई भी वैक्सीनेशन नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ इन्हें पर दिए जाएंगे और इनकी डाइट चेंज कर दी जाएगी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई अब कबूतरों की खुराक चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या क्या चेंज करूँगा वो मैंने आपको बताया, बाकी मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताऊँगा। और फिर कबूतर कैसे निकालने हैं वो भाई स्टेप बाई स्टेप आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और उखेड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि पर कैसे उखेड़ने हैं, दो पर एक बार फिर बता देता हूँ।
एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए, जैसे ये तीन परे इसकी उखड़ेंगी, ये सिर्फ तीन ही उखाड़नी है, इधर की कोई भी कलियां हमने नहीं छेड़नी है क्योंकि ये बिल्कुल आ चुके हैं, और ये इधर की ऊपर की मक्खियां ये सब अपने आप कबूतर ले लेगा क्योंकि डेढ़ महीने के लगभग कबूतर के पास टाइम है, ये भी उखेड़ने की ज़रूरत नहीं है। रही पूछ की बात, तो पूछ जो जो ख़राब है, जैसे ये पुरानी है, ये हम उसी दिन उखेड़ देंगे साथ में, बाकी पूरी पूछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये जैसे गर्दन के ये बाल हैं, ये कबूतर अपने आप लेने लग रहा है, इसमें ज़्यादा कबूतर को परेशानी भी नहीं देते हैं कि बहुत आदमी की टोटल सारी ही पर उखेड़ देते हैं, लेकिन सारी पर नहीं उखेड़नी है भाई, जितनी कलियों की इन्हें ज़रूरत है सिर्फ वही उखेड़नी है। अब हमारे कबूतर ये नॉर्मल ले चुके हैं, तीन तीन कुंदे बाकी हैं, तो तीन तीन हम दे देंगे, पूरे हमारे टाइम तक तुरंत हो जाएंगे। और जिन भाइयों के कबूतर दसू साफ होके आ चुके हैं, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है भाई, उनके कबूतर ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं। अब जैसे हमारे कुछ कबूतर हैं इसके अंदर जो दसू साफ होके आ चुके हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये बच्चा देखिए आप, ये दसवीं कली ले रहा है और ये 10 से 12 दिन में ये परंत हो जाएगा। इस कबूतर को मुझे कुछ नहीं उखाड़ करनी है, सिर्फ इसको नहान देना है ताकि इसके अंदर जो जुए वुए हों वे सब ख़त्म हो जाएं, और इसके अंदर ना इसकी पर फाड़नी ना कुछ करनी, ये कबूतर बिल्कुल बाजी के लिए रेडी है। इसको सिर्फ अब हमें चालू करना है क्योंकि काफ़ी दिन से ये रुका हुआ है, और जैसे भी हम चालू करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हर चीज़ की जो मैं अपने कबूतरों को दूंगा, जो भी जैसे भी तैयारी करूंगा, वो आप लोगों के साथ आ जाएगी ताकि नए भाइयों का फ़ायदा हो सके। मुझे जितनी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भाई, जितनी मुझे आती है, मैं ये तो कहता नहीं भाई मैं बहुत बड़ा वो हूँ, नहीं भाई, जितनी मुझे आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो जो मैं अपने कबूतरों को देता हूँ वो आपके साथ पहले भी की हुई है और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी पर पटाई से रिलेटेड, इसमें मैंने कुछ जो बारीक पॉइंट थे वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और आपको बताया कि भाई पर कैसे देनी है। जो भाई नहीं, जिन्होंने नहीं दी हैं वे इस तरीके से देना, और जिन्होंने दे रखी हैं उनको मैंने मल्टीविटामिन बता दिया और खुराक बता दिया है। एक मल्टी स्टार करके दोस्तों एक आता है, मल्टी स्टार अभी मैं लेके आऊँगा तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा, वैसे भी उसका नाम मल्टी स्टार ही है, वो आपको कबूतरों के अंदर प्रयोग करना है। और एक विटामिन एच आता है, वो भी आप पर पटाई के दरमियान अपने कबूतरों को दे सकते हो, उससे बहुत बढ़िया परे आती हैं कबूतरों की। और दाने में मैंने आपको बता दिया है क्या चेंजिंग करनी है, मगज और अलसी और तिल ज़रूर स्टार्ट करने हैं आपने अपने कबूतरों को। मगज देने से ये बेनिफिट है कि भाई कबूतर जो है आपका बादाम बहुत जल्दी पकड़ेगा और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा सर्च करोगे तो यूट्यूब पे देख लेना भाई, मगज के क्या फ़ायदे हैं, अलसी के क्या फ़ायदे हैं, और आपके कबूतरों की पर बेहतरीन आएगी। और कोई भी मेडिसिन आपने प्रयोग नहीं करनी है, सिर्फ लेवर टॉनिक और मल्टीविटामिन और अच्छा दाना। और जब इनको जैसे पर किस दरमियान तक जब निकलेंगी, जब मैं नहा दूंगा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि भाई कबूतरों पर पटाई कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।